हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी आज है 28th ऑफ नवंबर, ट्यूसडे, एंड पनव गया है स्कूल एंड मैं दिन में लंच के लिए आज बना रही हूँ एग करी। तो एग करी बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने आलू और अंडे को बॉईल कर लिया है एंड उसके बाद बॉईल हो जाने के बाद मैंने उसको हल्दी और नमक से मैरिनेट कर लिया है एंड उसके बाद मैं उन दोनों को फ्राई कर रही हूँ। एंड यहाँ पर देखिए मैं अनियन काट रही हूँ एंड सॉरी अनियन काट नहीं रही हूँ, अनियन को हाफ कर रही हूँ काट के एंड इसके बाद मैं इसको ग्रेट करूँगी। तो यहाँ पर अनियन को मैंने अच्छे से धो के एक बोल में रख दिया है एंड इन द मीन टाइम मेरा एग और आलू जो कि मैंने फ्राई करने चला था वो दोनों फ्राई हो गए हैं तो मैं इसको निकाल रही हूँ गैस। तो ग्रेट किया हुआ जो प्याज है उसको मैंने पैन में डाल दिया है एंड अब इसको अच्छे से आपको फ्राई कर लेना पड़ेगा हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक एंड फिर इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा गार्लिक पेस्ट। तो मैं ना पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट साथ में खरीदती थी, फिर मैंने देखा कि कोई कोई खाने में ना खाली जिंजर लगता है, गार्लिक नहीं लगता है। जिस दिन जैसे कि मेरा वेज होता है तो उस दिन तो गार्लिक का कोई काम नहीं रहता है, खाली अदरक वाला सब्ज़ी बनता है, अदरक और जीरा का। तो इसीलिए ना मैं आजकल अलग अलग पेस्ट खरीदती हूँ, गार्लिक पेस्ट अलग एंड जिंजर पेस्ट अलग। एंड उसके बाद ना मैं एक बोल में थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर एंड थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून एक मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा पानी से एंड इसका ग्रेवी का जो मसाला का मिक्सचर है वो मैं रेडी कर लूँगी। एंड फिर प्याज और लहसुन का पेस्ट से सारा ग्रेवी मसाला अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड उसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी ऐड करने के बाद सारा मसाला को एक अच्छा मिक्स दूँगी एंड अच्छे से फ्राई कर लूँगी एंड उसके बाद इसमें फ्राई किया हुआ अंडा और आलू सब इसमें डाल दूँगी। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना भूल गई हूँ कि अंडा और आलू ऐड करने से पहले थोड़ा सा चीनी भी इसमें ऐड कर दीजिए तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट एक दो व्लॉग में मैंने डायरेक्ट आप लोगों से बात नहीं किया था तो अपना दिन भर का रूटीन ही शेयर किया था, बट आज इसीलिए मैं बात कर रही हूँ बिकॉज आज ना मेरा सब काम में काफ़ी लेट हो चुका है। तो अभी एक्चुअली बज रहा है 1:15 एंड पनव को लाने का टाइम हो गया है कारपूल से एंड मेरा ना आज जो व्लॉग मैंने अपलोड किया है उसका नाम है मोटिवेशनल स्टोरी। तो प्लीज़ जाकर उस व्लॉग को देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, अच्छा लगेगा। जो विमेन है स्पेशली उन लोग के लिए है मेरा व्लॉग, जो कि मदर्स है एंड जो कि खुद बहुत स्ट्रांग है उनके लिए है एंड जो नहीं है वो ज़रूर मेरा व्लॉग देखिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड बहुत मेहनत किया है मैंने आज वाला व्लॉग अपलोड करने में, मैंने बहुत मेहनत किया है एंड उसके पहले एक व्लॉग है जिसमें जिसका शायद टैग है लाइक माई डे स्टार्ट्स फ्रॉम 6 in the morning, उसमें उतना व्यूज़ नहीं आया है बट आई स्वेयर आई एम टेलिंग यू वो 1.5 घंटे का वीडियो था, मैंने उसको एडिट कर करके 30 मिनट्स या 22 मिनट्स का बनाया है, उसको एडिट करके अपलोड करने में मेरा 4 घंटा लगा था। तो प्लीज़ वो वीडियो भी देख लीजिएगा एंड थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, थैंक यू। एंड अभी मैं जाऊंगी पनव को लाने। तो सुबह का एग करी मेरा बन चुका है एंड आज मैं काफ़ी सारा सब्जी लेके आई हूँ, मेथी, गाजर एंड मटर, तो कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी एंड सूप बनाना मेरा पेंडिंग है अभी तक, वो तो मैं ज़रूर बनाऊंगी बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। कल भी मैं मम्मी के घर गई थी एंड शाम को आने के बाद घर का जैसे कि आप लोग देखते हैं मेरे ब्लॉग में काफ़ी सारा काम रहता है एंड आज का ब्लॉग भी एडिट करके अपलोड करने में मुझे 2.5 घंटा लगा है एंड
सुबह 4 बजे से वैसे आज मैं उठी हुई हूँ एंड अभी अभी जस्ट मेरा नहा के पूजा करना जस्ट अभी खत्म हुआ है एंड अभी बज गया है देखिए 1:15 एंड अभी मैं फटाफट जाऊंगी पनप फुलानी। चावल मेरा अभी तक बना नहीं है, जस्ट मैं एकरी बना के छोड़ दिया मैंने एंड पनवाने के बाद फिर फटाफट चावल बना लूंगी। वो तो आने के बाद जूस वूस पिएगा, उसको टाइम लगेगा। तो बस अभी जाती हूँ फटाफट पनप को लेके आती हूँ एंड उसके बाद दिन भर का जो भी कुछ शेयर कर सकते हो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो बस पनव को स्कूल के कारपूल से मैं लेके आ गई हूँ एंड चावल भी मेरा बन चुका है एंड अभी बच गया है दिन का 2:15 एंड अभी हम लोग अपना लंच करेंगे। एंड अभी मेरी मासी आ गई है, वो बनाएगी रात की सब्जी। तो रात की सब्जी में आज मैं बनवा रही हूँ आलू भिंडी प्याज की सब्जी। एंड मेरा कपड़ा समेटना हो गया है एंड रात का खाना भी बन चुका है एंड ये देखिए पनव के स्कूल डायरी में टीचर ने इस सारे स्पेलिंग्स उसको प्रैक्टिस करने बोले हैं, तो मैं अभी इसको सारा स्पेलिंग प्रैक्टिस कराऊंगी। एंड अभी मैं इसको पढ़ाऊंगी एनडी वर्ड्स भी इसका स्कूल में हो गया है, ये सब को कहते हैं ब्लेंड वर्ड्स, तो अभी ब्लेंड वर्ड्स भी इसको प्रैक्टिस कराने वाली हूँ मैं। एंड अभी हो गई शाम एंड हम दोनों को ही भूख लग गया है, पनव को पढ़ाई करके एंड मुझे उसको पढ़ा के, तो हम लोग अभी खाने वाले हैं यम्मी यम्मी चॉकलेट मफिन्स। एंड अभी बज गए 6:30 एंड मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ मेथी पत्ता को ठीक से स्टोर करने। तो सबसे पहले ना मेथी पत्ता का जो रूट्स है वो सबको मैं अलग कर लूँगी। एक्चुअली सुबह मैंने सब्ज़ी लाया हुआ था पर इसको फ्रिज में डालना नहीं हुआ था, एकदम टाइम नहीं मिला था, तो अभी फटाफट मैं सारा सब्ज़ी को फ्रिज में स्टोर करने वाली हूँ। तो मेथी पत्ता को अच्छे से काट के फिर स्टोर करना पड़ेगा बिना धोए, तो सबसे पहले यही काम मैं करूँगी क्योंकि मेथी पत्ता से मैं देख रही हूँ थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ने लग गया था। तो यहाँ पर ना जितना हो सके रूट्स को आपको अलग कर देना है, ये बंच में बंधा हुआ रहता है तो रूट्स को पहले आपको अलग कर देना पड़ेगा एंड उसके बाद एक एक स्टेम निकाल के मैं जो स्टेम ज़्यादा लंबा लग रहा है मुझे मैं उसको काट दे रही हूँ एंड बाकी का पत्ता रख रही हूँ। पूरा एक एक पत्ता निकाल के मैं नहीं रख रही हूँ तो उसमें ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, तो मैं जो बड़े बड़े स्टेम है उसको काट रही हूँ एंड रूट्स को मैंने पूरी तरह से अलग कर दिया है एंड इसमें जो जो लीव्स मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा येलोइश हो गया है, पानी भर गया है या थोड़ा सरा हुआ है, वो सब लीव्स तो मैं एकदम इसके अंदर नहीं डालूंगी, नहीं तो वो लीव्स के कारण ना पूरा मेथी पत्ता सारा बाकी भी खराब हो जाएगा। तो इसको काटने में एंड स्टोर करने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बट इसको काटने में मुझे पूरा 45 मिनट्स लगा उस दिन शाम को, क्योंकि टाइम था हाथ में एंड पनव का पढ़ाई भी हो चुका था एंड सब चीज़ खाना भी बना हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये काम पहले कर लूँ क्योंकि पत्ते भी सड़ रहे थे एंड अभी प्राइस इतना महंगा है, मेथी का इतना महंगा आता है, तो मैंने सोचा बेकार में सड़ जाएगा तो मैं इसलिए फटाफट ये काम कर रही हूँ एंड पूरा 45 मिनट्स चला गया। एंड ये देखिए मैंने सारे जो भी सरा हुआ पत्ता था सब मैंने निकाल दिया एंड सिर्फ अच्छे पत्ते हैं एंड इसको मैं थोड़ा देर अभी फ़ैन के नीचे सुखा रही हूँ। तो इसको स्टोर करने के लिए एक अच्छा सा प्लास्टिक कंटेनर ले लीजिए, ये कंटेनर मेरा पहले से धुला हुआ था तो मैं खाली इसको पोंछ रही हूँ। अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ टिश्यू पेपर का बंच मेरा घर में हमेशा रहता है, तो टिश्यू पेपर इसमें डालना पड़ेगा आपको थोड़ा सा मोटा करके, एक टिश्यू पेपर से नहीं होगा, नीचे लेयर के लिए आपको कम से कम 2 टिश्यू पेपर डालना पड़ेगा वो भी फोल्ड करके।
तो टिश्यू पेपर डालने से यही होगा, मेथी के अंदर जो भी मॉइस्चर एक्यूमुलेट होगा, जो भी अगर मॉइस्चर जमेगा, पानी जमेगा, तो वो टिश्यू पेपर सोख कर लेगा। एंड फिर फ्रिज में आप इसको कम से कम 6-7 दिन तक तो रख ही सकते हैं। तो अच्छे से मैं इसको इस डब्बा में स्टोर कर दूंगी। एकदम पहले मैं चेक कर रही हूँ कि अच्छे से सूखा हुआ है कि नहीं। एंड सारा मैं डब्बा में डाल दूंगी, ज़्यादा दबा के नहीं डालूंगी, सारा पत्ता इसमें डाल दूंगी। एंड उसके बाद ऊपर से भी एक और टिश्यू पेपर का लेयर देना पड़ेगा, क्योंकि ढक्कन में ना, डब्बे के ढक्कन में कभी कभी मॉइस्चर जमता है, तो फिर ऊपर से भी पानी ना गिरे मेथी के ऊपर, इसलिए ऊपर भी एक टिश्यू पेपर देके फिर मैं इसका लिड लगा दूंगी। और फिर मैं इस डब्बे को फ्रिज में लेके जाके रख दूंगी। ऊपर में तो ये अट नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं नीचे वेजिटेबल बॉक्स को खाली कर दिया मैंने, एंड वेजिटेबल बॉक्स के अंदर मैं ये मेथी का डब्बा रख दूंगी। एंड ये सब के थोड़ा देर बाद मैंने और पनव ने कर लिया डिनर। तो ये देखिए, ये है आज रात की सब्जी, आलू भिंडी प्याज, एंड साथ में है रोटी। तो बस हम दोनों अभी डिनर कर लेंगे, एंड उसके बाद थोड़ा सा 1 घंटा बाद हम लोग फिर सोने भी चले जाएंगे। अभी बज गया रात का 9, एंड पनव आज थोड़ा सा जल्दी सो गया है, थका हुआ था बेचारा। एंड मैं भी सुबह 4 बजे से जगी हुई थी, तो मुझे भी काफ़ी नींद आ रही थी, बट फिर भी मैंने, ये देखिए हम लोग के खिड़की से कितना अच्छा चांद दिख रहा है आज, पता नहीं आज कुछ है या नहीं, पूरा गोल है, राउंड है चांद, एंड इतना सुनहरा रात लग रही है। मैं तो अपना खिड़की से इंजॉय कर रही हूँ, एंड आप लोग के लिए भी शूट कर रही हूँ ताकि आप लोग भी ये सुंदर नज़ारा देख सकें। तो ये सुंदर नज़ारे के साथ इस व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ।